बन जाएंगे, शुरू में तीन बनेंगे और चार और बन जाएंगे सात। तो ये कि उस पर कर सकते हैं, बट ये कि दो तीन ही फैमिली है तो मतलब ये है कि जैसे 10-15 लोग आ गए, अपन उन्होंने अपना अपना अलग अलग किया और अपना अपना अलग अलग बिल। अच्छा, वो कार्ड से अलग अलग हो जाएगा जो 8 कार्ड बनेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे पता है कि 2 ही कार्ड बनते हैं, वो एक वो नौकरी कर रहे हैं, हम लोग सेल्स का काम देखते हैं। वो बाबू नाम की चीज़ है, उनको जुगाड़ दी बता, जुगाड़ पता। देखिए देखिए, जो आसपास के लोग हैं ना वो यहाँ से जरूर करते हैं, क्योंकि फायदा उनको कहीं ना कहीं है, 10-15% का मार्जिन है। जो छोटे दुकानदार हैं वो भी ले जाते हैं, जो घर में सामान यूज़ करते हैं वो भी यहाँ से ले जाते हैं। भाई जिनका ना तेल लगना है ना भाड़ा लगना है, वॉक करने आए इवनिंग में, अपना ले गए 6-7 घर वाले लोग मिल के आए, अपना ले गए। लेकिन उनके पास कार्ड कहाँ से होंगे? कार्ड देखिए कई चीज़ पर बनता है, ग्राम प्रधान के थ्रू भी बनता है, कांटा पर्ची पर भी बन जाता है। ग्राम प्रधान के थ्रू? हाँ, जिसके पास कोई पेपर नहीं हो ग्राम प्रधान के थ्रू अप्रूव हो जाए वो बन जाएगा। अच्छा, ये गांव की वजह से यहाँ पर जो तो उसी में हमारा भी गांव प्रधान टाइप का हो जाएगा। आप एक उसको स्मॉल बस लेके आओ जी, फर्स्ट टाइम वी विल सी कि आगे क्या होता है, कैसा रहता है, फिर हम आपको अलाउ कर देंगे। आप 25-30 बंदे लेके आए फर्स्ट टाइम, तो एंट्री में उनको दिक्कत तो नहीं आएगी? एंट्री में मैंने आपको नंबर दे दिया, आप आने से पहले जैसे आपने कल आना तो मेरे को आज फ़ोन कर लेंगे जी। तो 2-3 दिन पहले इंटीमेट कर देना, सो दैट कि अच्छा वो सारे लोग पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपने घर की, हम आपके कार्ड पे शॉपिंग करवाएंगे जी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं जी। अच्छा, ये हो सकता है कि कभी कभी बिलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कई आप बिलिंग में कुछ मुझे रिलीफ दे दें। मतलब एक और मैं कंपनी और मेरी मतलब 3-4 कंपनियां हैं, एक इंडिविजुअल जिसे हम रन नहीं करते, डमी टाइप की, वो आप उसका एक लाइसेंस लेके आए ना, हम उसके कार्ड बना देंगे आपको जी। लाइसेंस आपने लेके आना सर, हम लाइसेंस होल्डर को कार्ड देते हैं, आप बिजनेस लाइसेंस, हम आपको वे आउट बता देंगे कि यहाँ से लाइसेंस मिल सकता है, आप लाइसेंस ले लेना, कार्ड बना लेना। अच्छा, ये भी रास्ता है। शॉपिंग कोई नहीं कर रहा है, ये सबके कार्ड बना हुआ है। अब वो घर के लिए लिए वो या बाहर के लिए लिए, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कल की डेट में रेड पड़ती है, अगर लाइसेंस 3 नंबर का दे रखा है और वो शॉपिंग घर के लिए करके जा रहा है, आटा दाल चावल खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगा, हमारे को नहीं पकड़ेगा। हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया कि भाई आप लाइसेंस लो, मेंबर बनाओ, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के अलावा कौन बंदा क्या खरीद के लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए खरीद रहा है, उससे हमारे को जी है। 20 मेंबर, वो दिक्कत तो नहीं आएगी एंट्री के लिए? वो सारा पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपना, उनके साथ और कितना 10 तक अलाउ कर देंगे आप? दो आ सकते हैं ना और एक के साथ? हाँ, 10 बंदे एक टाइम में, वैसे 9 आते हैं और 10 ले आएंगे कोई बात। अच्छा, वो मतलब पर्सनल शॉपिंग करेंगे अपना सर, पहले आपकी फर्म के नाम की होगी जी, ठीक है, आपको फर्म को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो ये बता देंगे जी, वैट नंबर आपका लगेगा, बिल लगेगा, लेटर पैड आप। हाँ, तो इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं ना, आपकी मेंबरशिप तो होगी? मैं लूँगा, आप अगर आप ओके करेंगे तो फिर आने, ठीक है, ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, और जो भी मेंबर आते हैं उनकी सबकी बिलिंग आपके नाम पे होगी? मेरे नाम पे होगी, कोई इशू नहीं। प्राइस उनको ओपन हो जाएगा जिस रेट पे बिल हो रहा है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे अपना परसेंटेज ले रहा हूँ ऑलरेडी, कन्वेंस ओपन रहेगा उसमें। हाँ, तो मतलब ये एक टाइम में 100 लोग आएंगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? बिलिंग में मतलब मेरे ही बिल पे आएंगे वो लोग? 100 लोग, वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब महीने में 3 बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है? 10 बार आइए, 30 बार आइए, हमको दिक्कत नहीं है, हमको तो माल बेचना है। तो अभी क्या मुझे मतलब कब से मैं शुरू कर सकता हूँ? नहीं टाइम अब मैं एक्चुअली 60-70 लोग आएंगे वन टाइम में मेरे कार्ड पे, आप एक मेरा कार्ड होगा, एड ऑन कार्ड हो गए दो, तो मेरा कोई बंदा रहेगा परचेजिंग के टाइम पे,
तो उनको क्योंकि रेप्यूटेटेड फैमिली से सारे होंगे, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाउस वाइफ होंगी, उनको कोई एंट्री के समय प्रॉब्लम ना आए, ना इजीली सॉल्व कर लें, क्योंकि दो चार मेंबर लाने से मेरा कुछ होगा नहीं। ऑफिशियली मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, बट अगर मैं गेट के उस पार खड़ा हूँ तो एक सिंपल लॉजिक है, आपके जो भी तीन कार्ड है, तीन आपके पर्सन आएंगे साथ में, एक कार्ड पर दो लोगों को अलाउड है, ठीक है, आप वो तीन लोग एग्जिट करें, एंट्री करें, एग्जिट करें, दूसरे तीन को लेकर 70 लोग, दैट मीन्स लगभग लगभग 20 फैमिली, तो उसको एंट्री और एग्जिट करना है, अपनी बिलिंग आराम से करवा सकते हो। एक टाइम में कितना लोग एंट्री दे रहे हैं? तीन चार लोगों को दे सकते हैं अपने? नहीं, तीन चार तो रेगुलर सब जगह मिल जाता है। मुझे चाहिए, मतलब वो बैठने की थोड़ी ना, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं है, बस में लेके आऊँगा और उनको शॉपिंग करानी है, तो आप मैक्सिमम मतलब 50 लोग भी हो तो 20-25 करके उनको एक साथ नहीं भेज सकते। हाँ, इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखो कि ये ऑफ द वे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपका कार्ड लेके आप 4-5 लोगों को अंदर लेके जाइए, ऐसे 15 लोग अंदर चले गए, फिर एग्जिट गेट से आपका आदमी कार्ड लेके आपको बाहर आ जाएगा और बाकी 15-20 लोगों को लेके जाएगा अंदर। यहाँ इनको प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, इनको क्या प्रॉब्लम है।